तो दोस्तों सुनिए, हम बात करने वाले टाटा पावर कंपनी के बारे में। टाटा पावर के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट 5-6% के अराउंड की एक ज़बरदस्त यहाँ पर जो है वो गिरावट, और उसी के साथ काउंटर के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो एक शार्प ब्रेकडाउन और एक अच्छी खासी नेगेटिव क्लोजिंग भी जो है वो हमें देखने को मिल चुकी है। अब देखो दोस्तों, टाटा पावर कंपनी की बात करें तो लास्ट वीक में भी मार्केट के अंदर करेक्शन था। लास्ट वीक में भी टाटा पावर के अंदर हमें कोई मेजर गिरावट देखने को नहीं मिली थी। काउंटर स्टील 460-65 के ऊपर ही सस्टेन करके गया था वीकली क्लोजिंग बेसिस पे भी। हमने वीकली एनालिसिस में भी बताया था कि सपोर्ट तब तक वैलिड है जब तक मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है। जिस दिन मार्केट के अंदर एक्सट्रीम लेवल पे सेलिंग आई, उस दिन ये स्टॉक भी अपने सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाएगा, ऑल टाइम हाई पर सस्टेन नहीं कर पाएगा, और आपको डेफिनेटली जो है वो बढ़िया सेल ऑफ आता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड वो बढ़िया सेल ऑफ आज आपको यहाँ पर जो है वो आता हुआ भी देखने को मिल गया। अब सपोर्ट कहाँ पर है टाटा पावर का, तो 440 जहाँ पर ये स्टॉक क्लोज होकर गया वो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रीच हुआ तो फर्दर सेलिंग हमें कहीं ना कहीं 400 के सपोर्ट तक की देखने को मिलेगी। तो आप यहां पर ये की लेवल्स को डेफिनेटली अपने ध्यान पे रखें।